The internet is full of bro science, fake knowledge, half information, or propaganda. Your quest of reliable, authentic health information ends here. So subscribe this channel and hit the bell icon, and you never have to go anywhere else ever again. नमस्कार, कैसे हैं आप? मैं हूं डॉक्टर परमजीत, आप देख रहे हैं डॉक्टर एजुकेशन। दोस्तों, ठंड के मौसम में और हार्ट की बीमारी के बारे में एक बहुत बड़ी बात आज आपको बताएंगे। क्या होता है अगर आपके खून की नसों में ब्लॉकेज नहीं भी हो, फिर भी आपकी हार्ट की आसपास की खून की नसें, जिन्हें कोरोनरी आर्टरीज बोलते हैं, वो सिकुड़ सकती हैं, स्पाज़म में जा सकती हैं, और ये स्पाज़म के वजह से खून का सप्लाई, ऑक्सीजन का सप्लाई आपके हार्ट की मांसपेशी को बंद हो सकता है, और आपको छाती में हार्ट का दर्द, हार्ट अटैक जैसा दर्द हो सकता है। ये थोड़ी देर के लिए होता है नॉर्मली, और ऐसा सडनली हो सकता है, कभी भी हो सकता है। सो इसे हम कहते हैं कोरोनरी आर्टरी स्पाज़म। इसके कारण को आज समझेंगे, और इसके चांसेस को समझेंगे, रिस्क फैक्टर्स को समझेंगे, और सिम्टम्स को समझेंगे, और साथ ही इसके लिए क्या टेस्ट करना चाहिए और ट्रीटमेंट क्या होना चाहिए इसको समझेंगे। अगर आपके हार्ट के आसपास की खून की नसें स्पाज़म में जा रही हैं, तो ज़्यादा चांसेस हैं कि उनके आसपास में जो कोलेस्ट्रॉल और प्लाक डिपॉजिट जो है वो नहीं होगा। मगर इसका मतलब ये नहीं है, क्योंकि जो आसपास में कोलेस्ट्रॉल डिपॉजिट हो जाए आर्टरी में, वो कड़क हो जाती है। कड़क आर्टरीज स्पाज़म में जाने के चांसेस कम होते हैं, हार्डन आर्टरीज के स्पाज़म कम होते हैं, लेकिन इम्पॉसिबल नहीं है। अगर वो हार्ड होने के बाद भी स्पाज़म में जाती हैं, तो ज़्यादा डेंजरस हो सकती हैं, प्लाक्स रप्चर हो सकते हैं, राइट, और एकदम से वहाँ पे क्लॉट्स बन के एकदम से हार्ट अटैक आ सकता है। सो स्पाज़म में जाने के बाद में प्लाक रप्चर होके हार्ट अटैक, एक्चुअल हार्ट अटैक आने का पॉइंट भी होता है। सो स्पाज़म जो है ये मसल के वजह से नहीं होता, ये आपकी हार्ट की मसल के वजह से नहीं होता, आपकी जो खून की नसें हैं टेक्निकली वहाँ भरी एंडोथीलियम में भी, आर्टरी के वॉल में भी मसल होती है। आपके हार्ट के खून की नसों के या पूरे शरीर के खून की नसों के जो वॉल्स होते हैं उसमें भी मसल्स होते हैं, उनके स्पाज़म के वजह से होती हैं। और ज़्यादातर कोई एक एरिया होता है जहीं पे स्पाज़म होता है, पूरी की पूरी खून की नसें नहीं होती हैं, इतनी बड़ी लंबी नस है तो छोटा सा एरिया स्पाज़म में जा सकता है वो, ठीक है। और ये कई बार टेस्ट करने पे फिर वो नॉर्मल दिखेगी, एंजियोग्राफी किया तो वो बिल्कुल बढ़िया है, लेकिन वो स्पाज़म में चली गई थी, इस वजह से दर्द हुआ था। सो 2% लोग ऐसे होते हैं जिनको हार्ट का दर्द हो रहा है, लेकिन उस समय उनके हार्ट के अंदर चेस्ट पेन है, एंजाइना है, चेस्ट में प्रेशर है, हार्ट के वजह से है, लेकिन वो सिर्फ स्पाज़म के वजह से है, खून के नसों में एक्चुअल ब्लॉकेजेस, सीरियस ब्लॉकेजेस नहीं है। सो ऐसे में ऐसे लोग जिनके किनको ज़्यादा हो, जो लोग स्मोक ज़्यादा करते हैं, जिनका एक्चुअल कोलेस्ट्रॉल ज़्यादा हाई है, और जिनका ब्लड प्रेशर हाई है। ब्लड प्रेशर अगर आपका हाई है तो हार्ट की नसों में वैसी ही प्रेशर ज़्यादा है, प्रेशर ज़्यादा वाला एरिया स्पाज़म में जा सकता है कोशिश करने में, और हाई कोलेस्ट्रॉल और स्मोकिंग ये इसके साथ में रिस्क फैक्टर्स हैं। ये हो गए कॉज रिस्क फैक्टर, बिना किसी कॉज के भी हो सकता है, इम्पॉसिबल नहीं है, क्योंकि आजकल पोटेंशियल कॉजेज, एनवायरमेंटल कॉजेज, एयर पोल्यूशन, पेस्टिसाइड्स, पैकेज्ड फूड्स के जो प्रोसेसिंग के अंदर जो अलग के बहुत सारे ऐसे अनहेल्दी प्रोडक्ट्स, अनहेल्दी चीज़ें बहुत हो गई हैं, मगर इसके ट्रिगर हो सकते हैं। ट्रिगर ऐसा नहीं है कि कभी भी हो जाएगा, कुछ ना कुछ ट्रिगर होगा, है ना। द ट्रिगर माइट बी एन अल्कोहल विड्रावल, दारू पीना छोड़ दिया तब हो, इमोशनल स्ट्रेस, एकदम से कोई धक्का लगे तब हो, एक्सपोजर टू कोल्ड, इसलिए ठंड के मौसम में सुबह सुबह के टाइम पे एकदम उठे, बाथरूम गए, एकदम ठंडी हवा, ठंडी लगी, ऐसा भी हो सकता है। कुछ दवाइयाँ, वैसो कंस्ट्रिक्टर मेडिकेशंस होती हैं जो खून की नसें सिकुड़ा सकती हैं, जैसे कुछ नसें खोल सकती हैं, वैसोडायलेटर्स, नाइट्रेट्स, राइट, आर्जिनिन, सिट्रुलिन, सुना, वैसे कुछ वैसो कंस्ट्रिक्टर भी आती हैं। स्टिमुलेंट ड्रग्स होते हैं, एम्फिटामिन, कोकेन, हैवी स्टिमुलेंट, नॉट कॉफी, नॉट कैफीन, कैफीन भी एक पॉसिबल हल्का सा को करता है, लेकिन कैफी, जो एम्फिटामिन्स हैं, कोकेन है, जो एक्चुअल ड्रग्स होते हैं, वो स्टिमुलेटिंग ड्रग्स खतरनाक तरीके से स्पाज़म कर सकते हैं, हार्ट का दर्द हो सकता है। यूज ऑफ कोकेन एंड सिगरेट स्मोकिंग कैन कॉज सिवियर स्पाज़म इन कोरोनरी आर्टरीज, उसके वजह से बहुत रिस्क हो सकता है। दिस कैन कॉज हार्ट पेन, कैन कॉज प्रॉब्लम्स इन द हार्ट में, आपके काम करने में क्षमता में प्रॉब्लम आ सकता है, रिपीटेड स्पाज़म्स हो सकते हैं। तो ऐसे में आपको अपने रिस्क फैक्टर को कम कर लेना चाहिए, स्मोकिंग, डायबिटीज, हाई ब्लड प्रेशर, कोलेस्ट्रॉल, इनको कंट्रोल करो, ऑब्वियसली चीज़ है। सिम्टम क्या आएंगे अगर आपको स्पाज़म होगा? अब कई बार अगर स्पाज़म हुआ और छूट गया, एक सेकंड के लिए स्पाज़म हुआ, तो कुछ नहीं पता चलेगा, आपको भी नहीं, मेरे को भी नहीं। सो
लेकिन अगर स्पाजम रहता है थोड़ी देर और उस एरिया में खून नहीं जा रहा तो स्पाजम की वजह से चेस्ट में पेन हो सकता है, चलने फिरने में पेन बढ़ सकता है, एंजाइना हो सकता है। स्पाजम अगर लंबा चलेगा तो इट कैन ऑल्सो कॉज अ हार्ट अटैक। हार्ट अटैक मीन्स डैमेज टू द मसल्स ऑफ द हार्ट, हार्ट की मांसपेशी में डैमेज, राइट, जैसे मैंने कहा। और अगर प्लाक के ऊपर स्पाजम हुआ तो प्लाक रप्चर हो सकता है, वहां पे ब्लड क्लॉट बन के एक्चुअल मेजर हार्ट अटैक आ सकता है। सो मेन सिम्टम जो फील होगा ऐसे में वो होगा कि या तो छाती में कंस्ट्रिक्ट कर रहा है, कुछ चीज दबा रही है, कोई क्रश कर रहा है, कोई प्रेशर है, कोई स्क्वीजिंग है या टाइटनेस है, कुछ भी हो सकता है छाती में, राइट लेफ्ट ऊपर नीचे गले में कहीं भी हो सकता है। और ज्यादा से मोस्ट सिवियर कई बार अगर होता है तो वो कहीं रेडिएट करता है जॉ में, नेक में, या जबड़े में, शोल्डर में, हाथ में, आर्म पे, ऐसे जगहों पे। और स्पाजम जो होता है वो ज्यादातर जब आप रेस्ट पे होते, बैठे होते हो, लेटे होते हो या रिलैक्स करते हो तब होता है। और कई बार ऐसा भी होता है कि हर रोज एक ही टाइम पे स्पाजम हो रहा है, जैसे रात को सोने के बाद मिडनाइट 12 बजे से दोपहर रात को सुबह सुबह 8 बजे के बीच में स्पाजम होता है, राइट। और ये इसका जो एवरेज ड्यूरेशन है कहीं भी 5 मिनट से लेकर 30 मिनट तक रह सकता है। और ऐसे में अगर हार्ट के मेजर आर्टरी में स्पाजम हो जाए तो हार्ट अटैक आ सकता है, हार्ट फेल हो सकता है, पेशेंट बेहोश हो सकता है, राइट। अब एंजाइना नहीं है, खून की नसों में एक्चुअल ब्लॉकेज नहीं है, आर्टरीज में ब्लॉकेज नहीं है, सो ऐसे में जब आप चल रहे हैं तो चलने फिरने पे आपको दिक्कत नहीं होता है, ये जरूर याद रखिए। क्योंकि चलने फिरने पे एक्चुअली वैसोडाइलेशन होता है, क्योंकि खून की नसों में आसपास नाइट्रिक ऑक्साइड रिलीज होता है, वहाँ वैसोडाइलेशन करते हैं कि और खून जाए। सो चलते समय नहीं, ये स्पाजम जो होते हैं बैठे बैठे ज्यादा होते हैं, चलने के बाद वापस आए ठंड लगी, दैट इज पॉसिबल। तो ऐसे में क्या किया जाता है, ऑब्वियसली आपका हार्ट अटैक के टेस्ट, ECG, इकोकार्डियोग्राफी, ट्रोपोनिन टेस्ट, और अगर जरूरत लग रही तो डाउट लग रहा है तो बेस्ट टेस्ट है एंजियोग्राफी, कोरोनरी एंजियोग्राफी, सीटी वाली या फिर नॉर्मल कन्वेंशनल एंजियोग्राफी की जाती है। ऐसे में ऑब्वियसली एंजियोग्राफी नॉर्मल आएगी, राइट, ECG में गड़बड़ आ सकती है अगर हार्ट को डैमेज हो चुका है, और इकोकार्डियोग्राफी भी मोस्टली नॉर्मल आती है अगर डैमेज नहीं हुआ है, राइट। अगर डैमेज हो चुका है एक्चुअल हार्ट में, क्योंकि स्पाजम में टेम्पररी डैमेज होते हैं, जब भी होते हैं परमानेंट नहीं होते हैं, ब्लड फ्लो आ गया, राइट। सो स्पाजम का जो गोल होता है वो यही होता है कि हार्ट अटैक ना हो जाए, तो पेशेंट को 24 घंटे के लिए ऑब्जर्वेशन में रखो, रेगुलर ECG करो, रेगुलर आप बीच बीच में आप इंटरमिटेंट सीरियल ECG, सीरियल ब्लड टेस्ट, ट्रोपोनिन्स के, कि हार्ट अटैक एक्चुअल तो नहीं हो रहा, और चेस्ट पेन को कंट्रोल करो। तो इसमें वैसोडाइलेटर मेडिकेशन, नाइट्रोग्लिसरीन वाली जो जबान के नीचे रखने वाली दवाई है, जो सुना होगा सॉर्बिट्रेट, वो सारी मेडिसिन, वैसे की कोई मेडिसिन दी जाती है, बहुत सारी आती है उस प्रकार की। सो ऐसे में हार्ट अटैक प्रिवेंट करना, खून की नसों को थोड़ा सा खोलना, छाती में दर्द में आराम लाना, ये टारगेट होते हैं। अगर लॉन्ग टर्म की बात करें तो लंबे समय में ऐसी चीज को प्रिवेंट करने के लिए या तो कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स, जो कि कॉन्ट्रैक्शन करने में काम करते हैं, कैल्शियम कहीं भी कोई भी मसल कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए वहां कैल्शियम जाना चाहिए, तो कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स दिए जाते हैं या बीटा ब्लॉकर्स दिए जाते हैं, या ऐसे कोई ट्रिगर्स होते हैं उसको अवॉइड करवाने के लिए बोला जाता है, जो ट्रिगर मैंने पहले बताया, राइट। हाई स्ट्रेस, स्मोकिंग, कोई कोकेन या सिगरेट या कोल्ड एक्सपोजर्स नहीं करना। अल्टीमेटली कोरोनरी आर्टरी स्पाजम ऐसा भी है कि कई लोगों को बार बार होता है, लॉन्ग टर्म होता है, क्रोनिकली होता है, हर बार होता रहता है, हर ठंड में होता है, ऐसे में फिर उनको ये ट्रीटमेंट की जरूरत पड़ती है। और ऐसे में इररेगुलर हार्ट रिदम आने के चांस होते हैं, आगे चल के कोई प्लाक डेवलप हो जाए, फिर स्पाजम हो जाए तो हार्ट अटैक आने के चांसेस होते हैं, और ऐसे लोगों को अपने कोलेस्ट्रॉल लेवल्स, अपने लाइफस्टाइल को करेक्ट करने की जरूरत है। तो अगर आपको लगता है कि आपको स्पाजम होता है, छाती में दर्द होता है, दबाव होता है, तो अपना ECG, इकोकार्डियोग्राफी और एंजियोग्राफी करा के देख लो। अगर ये तीनों नॉर्मल है तो हार्ट रेट, ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करो, कोलेस्ट्रॉल को कंट्रोल करो, शुगर को कंट्रोल करो, वजन को कंट्रोल करो, स्मोकिंग, अल्कोहल और उल्टी सीधी चीजों से बच करो। इतना करोगे तो आप बच जाओगे, ये सारे वीडियो फैलाओगे तो सब बच जाएगी। सो प्लीज शेयर दिस वीडियो एंड हेल्प अस सेव एवरीबॉडी। थैंक यू सो मच, स्टे कनेक्टेड, स्टे हेल्दी।